Hello students, in the last video we have studied about the operations on continuous time signal. Okay, now in this video we will study the relationship between the step function, impulse function and ramp function, or you can say differentiation and integration of continuous time signals. Okay, to yahan par relationship kya hota hai between step, ramp and impulse, wo hum log study karenge. To अगर आपको इंपल्स फंक्शन को आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू डी यू टी अपॉन डी टी. ओके, सिमिलरली अगर आप स्टेप फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट एज डी आर टी अपॉन डी टी. ओके, अगर आप सपोज करिए इसका इनवर्स कर लें, दैट मींस अगर आप रैंप को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस इनफिनाइट टू टी यू टी डी टी. ओके, एंड लास्ट अगर आप फर्स्ट वाले का इनवर्स करें तो आप लिख सकते हैं यू टी इज इक्वल टू माइनस इनफिनाइट टू टी डेल्टा टी डी टी. ओके, तो यहां पर अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलें तो आपका डेल्टा टी का इंटीग्रेशन होता है स्टेप, मींस इंपल्स का इंटीग्रेशन होगा स्टेप, स्टेप का इंटीग्रेशन होगा रैंप. और अगर आप रिवर्स करें तो रैंप का डिफरेंशिएशन होगा स्टेप और स्टेप का डिफरेंशिएशन होता है इंपल्स. क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन इंपल्स, स्टेप एंड रैंप. यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीग्रेशन के टाइम पे. देखिए, जैसे आप आर टी निकाल रहे हैं तो आर टी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ यू टी डी टी. लिमिट क्या है आपकी? लिमिट है, अपर लिमिट है टी. अपर लिमिट टी क्यों है? क्योंकि आप आर टी निकाल रहे हैं अप टू टाइम टी, तो आप टाइम टी तक लेंगे अपर लिमिट. ओके, लोअर लिमिट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है क्योंकि आपको आर टी निकालने बोला है, मतलब अप टू टाइम टी निकालने बोला गया है, लेकिन लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट करनी है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया. तो जब लोअर लिमिट के बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो तो हम थ्योरी की स्टडी के टाइम पे सबसे लोवेस्ट लिमिट, दैट इज कॉल्ड माइनस इन्फिनिटी, कंसिडर कर लेते हैं. और न्यूमेरिकल में जिस तरीके से लिमिट दी होगी उसके हिसाब से हम चेंजेस कर लेंगे. ओके, तो यहां पर ये होता है लिमिट का कंसेप्ट कि लिमिट आपकी माइनस इनफिनाइट से टी तक क्यों है. क्लियर है अच्छे से? अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए जो हमने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे हैं, कुछ एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूं आपके लिए तो आप देखिए. सपोज करिए आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है टी माइनस 6 to 6 और एम्पलीट्यूड है 10. ओके, ये फिगर है आपका एक्स टी का विद रिस्पेक्ट टू टी. आपको बनाने बोला है वाई टी जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी. ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है वाई टी विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी. तो एक्चुअल में क्या होगा ना, जो कंसेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा है उसके थ्रू हम लोग एक फिगर को इंटीग्रेट कर पाएंगे और दूसरा फिगर ड्रॉ कर पाएंगे, या एक फिगर को डिफरेंशिएट करके दूसरा फिगर ड्रॉ कर पाएंगे. इस तरीके से अब हम फिगर टू फिगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे. ओके, तो आप देखिए यहां पर एक्स टी को आप क्या लिख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. हमने लास्ट वीडियो में यह सब स्टडी किया हुआ है कि जब भी रेक्टेंगल हो हमेशा आप स्टेप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एक्स टी क्या हो जाएगा आपका? पहला पॉइंट क्या है टाइम का? माइनस सिक्स है. एम्पलीट्यूड क्या है? 10. तो 10 यू टी प्लस 6 माइनस, ठीक है ना, 10 से एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है? 0 हो रहा है 6 पर, तो माइनस 10 यू टी माइनस 6. ओके, ये सारे ऑपरेशन हम लोग लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. अगर आपको इसमें डाउट है तो पहले आप लास्ट वीडियो फॉलो कर लीजिए, उसके बाद ये आपको ऑपरेशन बहुत ईजी लगेंगे. ओके, नाउ देखिए आपको yt कैलकुलेट करना है. yt क्या है आपका? xt का इंटीग्रेशन है, दैट मींस u का आपको इंटीग्रेशन करना है. तो u का इंटीग्रेशन r होता है, हमने पढ़ लिया है. स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप होता है. अब ये इतना आसान है ना, आप समझिएगा, जब भी आप इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना एम्पलीट्यूड है, क्या शिफ्टिंग हो रही है, इन सब बातों से आपको कोई मतलब नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है जहां जहां पर u दिख रहा है वहां वहां पर आपको R लिख देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना. ठीक है, तो ये हो गया आपका YT. बस ये ध्यान रखना है कि U के केस में
u के सामने जो कोफिशिएंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन r के केस में r के सामने जो कोफिशिएंट होता है वो उसकी स्लोप होती है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है हमेशा, ओके। अब अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूं yt को, तो आप देखिए आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है yt के ड्रॉ करने के लिए वो है आपका t इक्वल टू -6, ओके। तो -6 पर आप देखिए स्लोप कितनी है, 10। तो -6 पर आप 10 स्लोप का एक सिग्नल बना दीजिए, ओके। ये बन गया हमारा। अब आपकी स्लोप अगली कहां पर चेंज होगी, t इक्वल टू 6 पर, ठीक है ना। कितनी स्लोप ऐड करेंगे आप, -10। अभी आपकी स्लोप 10 है और t इक्वल टू 6 पर आप -10 को ऐड करेंगे तो टोटल स्लोप कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो t इक्वल टू 6 पर आपकी स्लोप बन जाएगी 0। बस हो गया, आंसर आ गया आपका, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग xt को इंटीग्रेट करके yt ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। अब यहां पर yt ड्रॉ कर लिए हम लोग, लेकिन क्या हम ये एम्पलीट्यूड पता कर सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा? यस, पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस पूरी लाइन की स्लोप पता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना है, -6, 0 है, और ये पॉइंट आप मान लीजिए एम्पलीट्यूड को y2 ले लीजिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा 6, y2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, y2 - y1, x2 - x1। तो ये हो जाएगा y2 - 0, 6 - -6, मतलब 6 + 6 कितना हो जाएगा, 10। स्लोप आपकी 10 है ना, तो y2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 12। तो 12 × 10 = 120, मतलब यहां पर जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 120, ओके। तो इस तरीके से आप फिगर टू फिगर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्लियर है अच्छे से। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल यहां पर आपको एक सिग्नल फिर से दिया हुआ है xt, ओके, दिस इज योर xt, एंड आपको कुछ इंपल्सेस दिए हुए हैं यहां पर। एक इंपल्स दिया है -3 पर 10, एक इंपल्स आपको दिया है -2 पर 12, और एक इंपल्स आपको दिया हुआ है 1 पर 16, ओके। तो इतने आपको इंपल्स दिए हैं, टोटल 3 इंपल्स हैं, ओके। और आपको कैलकुलेट करने बोला है yt, कैलकुलेट भी करना है और ड्रॉ भी करना है yt को, ठीक है। yt क्या है आपका, -∞ to t xt dt, क्लियर। दैट मींस आपको xt का इंटीग्रेशन करना है जिससे आपको yt मिल जाएगा। यहां पर xt को इंटीग्रेशन हम तब कर पाएंगे जब हमें xt पता होगा। तो xt हमें फिगर के फॉर्म में तो पता है, अब हम इस फिगर को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आपका xt क्या हो जाएगा, देखिए xt जो है बेसिकली इंपल्सेस का सम्मेशन है, ठीक है ना। देखिए आपका पहला इंपल्स कहां पर है, -3 पर, t इक्वल टू -3 पर। तो क्या लिख देंगे आप, 10 ∆t + 3, ओके। नेक्स्ट इंपल्स कहां पर है, -2 पर, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, -12 ∆t + 2, ओके, क्लियर है ना। यहां पर आपका ये नीचे के साइड है तो क्या होगा, माइनस होगा ना, ओके। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इंपल्स आपका कहां पर है, 1 पर, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस, और आपका वैल्यू कितनी गिवन है, 16, तो +16 ∆t - 1, क्लियर अच्छे से। अब आप देखिए अगर आप यहां से yt कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 10 u t + 3, क्योंकि डेल का इंटीग्रेशन u होता है, -12 u t + 2, +16 u t - 1, क्लियर अच्छे से। अब अगर यहां से आप yt को ड्रॉ कर लें तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए yt कैसा होगा आपका, पहला पॉइंट क्या है आपका, t इक्वल टू -3, तो -3 पर आपका एम्पलीट्यूड कितना है, 10। u है ना, ध्यान रखिएगा u के केस में एम्पलीट्यूड होता है 10। अगला पॉइंट क्या है, t इक्वल टू -2, -2 पर आप -12 ऐड कर रहे हैं, तो 10 पर अभी हैं, और 10 पर अगर -12 को ऐड करें तो कहां पहुंच जाएंगे, -2 पर, ओके। तो -2 वाले पॉइंट पर एम्पलीट्यूड भी आपका क्या हो रहा है, -2 ही हो रहा है। देखिए ना, -3 वाले पॉइंट पे एम्पलीट्यूड था 10, अब -2 वाले पॉइंट पे
टी इक्वल टू माइनस टू पर माइनस ट्वेल्व एम्पलीट्यूड एड हो रहा है, तो 10 से हैं आप, 10 से अगर आप माइनस ट्वेल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका माइनस टू। अब देखिए आप अगला पॉइंट क्या है, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू वन पे आप 16 ऐड कर रहे हैं, माइनस टू पर अभी आप हैं और 16 ऐड करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे आप 14 पर। क्लियर है अच्छे से। अब देखिए क्या कोई और पॉइंट है आपका टी इक्वल टू वन के बाद, नहीं और कोई पॉइंट आपका नहीं है, तो ये जो 14 वाला एम्पलीट्यूड है ये लाइन आपकी कंटिन्यूसली अप टू इन्फिनिटी तक चले जाएगी, क्योंकि अब आपका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा क्योंकि और कोई पॉइंट नहीं है टी का यहां पर। क्लियर है अच्छे से। तो ये हो गया आपका एक्स टी का इंटीग्रेशन वाई टी, और हमने ड्रॉ भी कर दिया इसे। ओके, नाउ एक एग्जांपल हम डिफरेंशिएशन का भी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको यहां पर एक सिग्नल गिवन है, ओके ये आपकी एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म गिवन है, और आपको इस सिग्नल के लिए डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना। और यहां पर आपको जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है माइनस टू से प्लस टू, और ये एम्पलीट्यूड गिवन है 10, और आपको कैलकुलेट करना है वाई टी विच इज डी एक्स टी अपॉन डी टी। ओके, तो यहां पर अब आपको एक्स टी का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। तो अब आप देखिए अगर आपको एक्स टी का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको एक्स टी को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। और ये आपकी स्लोपी लाइन है तो सबसे पहले आप स्लोप निकालोगे। ये वाला फिगर ऑलरेडी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से ट्रायंगुलर पल्स को आप रैम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर आपको प्रोसेस अच्छे से समझना है तो पहले आप लास्ट वीडियो को फॉलो कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा स्लोप आपका, माइनस टू कॉमा जीरो एक पॉइंट है आपका, और सेकेंड पॉइंट कितना है जीरो कॉमा टेन, तो स्लोप कितनी हो जाएगी आपकी वाई टू माइनस वाई वन, टेन माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, जीरो माइनस ऑफ माइनस टू, मतलब स्लोप हो जाएगी आपकी फाइव। ओके, और आपका फिगर सिमेट्रिकल है तो ये स्लोप क्या हो जाएगी माइनस फाइव। ओके, नाउ अब आप देखिए एक्स टी कितना हो जाएगा आपका, पहली स्लोप क्या है फाइव, पॉइंट क्या है माइनस टू, तो आप क्या लिखेंगे फाइव आर टी प्लस टू। ओके, अब आपकी t इक्वल टू जीरो पर क्या हो रहा है, स्लोप जो है वो 5 से चेंज होकर माइनस फाइव हो गई, मतलब आपने t इक्वल टू जीरो पर क्या ऐड किया होगा माइनस टेन, स्लोप आपने माइनस टेन ऐड की होगी ना, r के सामने जो भी होता है वो उसकी स्लोप होती है, किस पॉइंट पर ऐड किया है t इक्वल टू जीरो पर, तो आर टी। अब आप देखिए अगली स्लोप कहां पर चेंज हो रही है, t इक्वल टू टू पर, t इक्वल टू टू पर स्लोप जो थी वो माइनस फाइव थी, t इक्वल टू टू से पहले आप बोल सकते हैं माइनस फाइव थी, और t इक्वल टू टू के बाद क्या हो गई जीरो हो गई, मतलब t इक्वल टू टू पर आपने क्या ऐड किया होगा प्लस फाइव, तो प्लस फाइव आर टी माइनस टू। ओके, तो ये ड्रॉ हो गया आपका, या बोल सकते हैं ये आपने लिख लिया एक्स टी का इक्वेशन। ओके, फिगर तो आपको ऑलरेडी गिवन था उससे आपने इक्वेशन लिख लिया। अब अगर वाई टी हम लिखने जाएं तो हमें पता है वाई टी जो है वो एक्स टी का क्या है डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये जो एक्स टी है वो क्या है रैम के फॉर्म में है, तो रैम का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टेप, तो क्या हो जाएगा फाइव यू टी प्लस टू माइनस टेन यू टी प्लस फाइव यू टी माइनस टू। ओके, क्लियर है अच्छे से। अब आप इस वाई टी को ड्रॉ कर लीजिए। आपको ध्यान रखना होगा कि अब ये जो आपका वाई टी है वो स्टेप फंक्शन के फॉर्म में है, तो स्टेप में आप एम्पलीट्यूड को देखते हो ना कि स्लोप को, ठीक है। तो पहला एम्पलीट्यूड क्या है फाइव है t इक्वल टू माइनस टू पर, ठीक है। तो आप देख लो t इक्वल टू माइनस टू पर आपका एम्पलीट्यूड है फाइव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका टाइम का, t इक्वल टू जीरो, यू टी है ना आपका, दैट मीन्स t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पे कितना एम्पलीट्यूड आप एड कर रहे हो माइनस टेन, तो अभी आपका एम्पलीट्यूड फाइव है। ओके, और आप t इक्वल टू जीरो पे माइनस टेन ऐड कर रहे हो, मतलब आप कहां पहुंच जाओगे, आप यहां पर पहुंच जाओगे फाइव माइनस टेन, मतलब माइनस फाइव पर। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट t इक्वल टू टू पर आप क्या ऐड कर रहे हो प्लस फाइव, तो माइनस फाइव पर हो और आप t इक्वल टू टू पर प्लस फाइव ऐड कर रहे हो, मतलब कहां पहुंच जाओगे जीरो पर,
तो ये बन गया आपका फिगर yt, ठीक है ना। तो ये हमने यहां परफॉर्म कर लिया है xt का डिफरेंशिएशन व्हिच इज yt, और यू कैन से रैम का डिफरेंशिएशन इज स्टेप, और यू कैन से ट्रायंगुलर पल्स का डिफरेंशिएशन इज योर समथिंग लाइक स्क्वायर वेव। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपके कंप्लीट होता है टॉपिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहां दे दिए हैं, अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।